स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है, सपोज लेट अस टेक अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जो पार्टिकल होंगे मीडियम के, अगर वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर मतलब अलोंग, अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करते हैं और वेव जो है प्रोपगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, देन दैट वेव इज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव जो है, मान लो वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी के साथ, सो द वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड वाई, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इन दिस ओकेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी इज नोन एज फ्रीज। एज द वेव ट्रेवल देन द ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट रिटेन इट्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉसिबल इफ द फेज इज कॉन्स्टेंट। जैसा कि वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो जो ईच पॉइंट होगा वेव फॉर्म वो रिटेन करेगा इट्स डिस्प्लेसमेंट को, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास जो ये फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी इज अ कांस्टेंट, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। अभी आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो डी वाई डी टी ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो डेरिवेटिव होगा कॉन्स्टेंट का वो जीरो होता है, सो दिस इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ के एक्स माइनस डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे k कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे तो यह जगह डी वाई डी टी ऑफ x आगे का बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, तो हम आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा डी टी ओवर डी टी इक्वल टू जीरो। दिस इज वन, सो हेयर k डी एक्स वाई डी टी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। अभी नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा को साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस ओमेगा, तो के डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। अभी के को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ आल्सो वी नो दैट ओमेगा किसके बराबर होता है, टू पाई न्यू, एंड के इज इक्वल टू टू पाई ओवर लैम्डा। ये दोनों वैल्यू जो है हम इक्वेशन टू में यूज करेंगे, सो इक्वेशन टू बिकम्स डी एक्स वाई डी टी दिस इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आएगा टू पाई न्यू, और के की जगह आएगा टू पाई ओवर लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा और टू पाई के साथ टू पाई कैंसल। दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू न्यू लैम्डा, और डी वाई डी एक्स किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो ये आ जाएगी, दिस इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव।